बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं सराय चोलिस्तान में यहां पर मौजूद हूं, जहां पर आज हमारी जो ये मस्जिद नई तामीर हुई है, इंशाल्लाह इसमें आज पहला जो जुमा है वो अदा किया जाएगा। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे भाई हैं इंग्लैंड में मोहम्मद शरीफ साहब, जिनके तावन से ये मस्जिद तामीर हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और आजकल वो बहुत शदीद बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप लोगों से भी इल्तमास है कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। यहाँ पर पूरे इलाके में यहाँ पर कम से कम कोई 70-80 घर मौजूद हैं, जहाँ पर पूरे इलाके में मस्जिद नहीं थी, तो मस्जिद यहाँ पे अहम ज़रूर थी, जो कि यहाँ पर अब तामीर हो चुकी है। तो अभी हम चलेंगे इस मस्जिद का विज़िट करेंगे। मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसका नाम मुंतखब किया है हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने। और ये हमारे चैनल की तवस्सत से 11वीं मस्जिद है। अभी हम चलते हैं, बाकी विजिट करते हैं और यहाँ जुमा होगा वो भी आपको दिखाते हैं चल के इंशाल्लाह। आराम से मस्जिद मस्जिद की तामीर चूँकि अभी अभी मुकम्मल हुई है 2 रोज़ पहले, और इसका जो प्लस्तर है अभी गीला है, जिसकी वजह से रंग यहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह 2-4-6 माह तक, जब तक ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती, तो जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसके ऊपर अच्छे वाला दोबारा फिर से पेंट किया जाएगा। और इंशाल्लाह फिर से भी हम इसकी वीडियो बनाएँगे एक अच्छे कलर के साथ, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे मैं इसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है
जब भी सोए अफलाक पर नजर उठती है नासिर मेरी, तो चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, आज अपनी इस नवी कलोनी दी जहां मस्जिद तैयार थी गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दा एहसान अजीम थे। और जिस दोस्त भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने ये मस्जिद आपको तामीर करा दी है, बनवाई है जाए, जिन्हें मुहब्बत के नाल अज आप मस्जिद में बहते पे हैं तो नमाज जुम्मा भी अदा करे सू, आप सारे दोस्त उन्होंने वास्ते खसूसी तौर पर दुआ फरमाए सू कि वह बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने शिफा अता फरमावे। देखो उन्होंने पैसा तरस के हालात नेकी ते खर्च थींदा पे, मगर आप सारे दोस्त उन्होंने वास्ते दुआ जिस वेले करे सू तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने कुछ शिफा अता फरमावे सू। इंशाअल्लाह मेरे उस्ताद मुकर्रम तशरीफ गिन हैं, आप इंशाअल्लाह सोना बयान फरमेसन जा दूर तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कलोनी एक मस्जिद बन गई है। सारे हजरात कोशिश करते जिमें ही अजान थी वे तो जमात इंशाअल्लाह नमाज थी सी। और इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर इदारे के अंदर जिन्हें लोगों बच्चे पढ़ाने हो कुरान मजीद उस एक उस्ताद मुकर्रर कर दिते से, उन्हें कुरान मजीद की तालीम भी देनी है। असा हजरात कोशिश करे सू अपने बच्चे भी इस मस्जिद भेजे सो, और सारे दोस्त बिलखसूस दुआ फरमाए सो जिस दोस्त ने मस्जिद के जितना एक पैसा दिते जितना एक इंतजाम एहतमाम कराते आज आप बेहतरीन जगह पर मिला है। वह बंदा अगू बीमार है इंग्लैंड रहा मुहम्मद शरीफ नाम है, मुहम्मद शरीफ उनका नाम है, तो वह बंदा इंग्लैंड हस्पताल जेरे इलाज है। सारे हजरात खसूसी तौर पर उन्होंने वास्ते दुआ फरमाए सो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने कुछ शिफा अता फरमावे। देखो अपने आप अगर थोड़ा बहुत ही हिस्सा कटते अल्लाह के घर दे रहे ना दिल को बड़ा सुकून मिलते यार। असा रिज़्क़ हलाल के विचों 1000 रुपया अल्लाह के घर देते से सुकून मिलते ना, तो वह खुशकिस्मत कितना है जिहड़ा सारा कुछ अपनी दौलत विचों सारी मुकम्मल मस्जिद तैयार करवा रहे। असा मोटा खुशकिस्मत इंसान है, असा सारे भाई मोहम्मद शरीफ वास्ते दुआ करे सू अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने कुछ शिफा अता फरमाए सू। और भाई रतास साहब वास्ते भी दुआ फरमाए सू, इन्हां दी मुहब्बत ते मेहनत ते काविश है ये अल्लाह के घर बनवेंदन। भाई मोहम्मद रतास साहब इन्हां दे तवस्सुल नाल ये मस्जिद बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां को मिले से इन्हां शफकत फरमाई और साथ में ये इतना बड़ा मनसूबा दिता इन्हां दी मुहब्बत नाल इन्हां दी मेहरबानी नाल इन्हां दी शफकत नाल मिले। असब कोशिश करे सू सारे हजरात इन्हां वास्ते दुआ फरमाए सू, अल्लाह इन्हां को सेहत वाली जिंदगी अता फरमावे। जितनी जिंदगी है इवें अल्लाह के घर बने दे रहे हैं, अल्लाह इन्हां दा जन्नत देगा। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
कसरत दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लख लख एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबू अपने घर आवन की तौफीक अता फरमाई है। अजीजा ने मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर बनावना रब्बे करीम के घर आबाद करना ये बहुत बड़ी फजीलत है। रब्बे करीम ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया दावा सिपारा सूरह तौबा है। मेरा मौजू क्या नहीं मैं थोड़ी जी दे गुफ्तगू करते इंशाल्लाह अपने असल मौजू से गुफ्तगू करे सा। रब्बे करीम ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعصى أولئك أن يكونوا من المهتدين। ये लोग जेड़े रब्बे करीम के घर बड़े ने हाँ उन्होंने वसे ने ये कुरान एक तो वही खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भाई शरीफ साहब और कुसियत कामिल आज लाता फरमा रहे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह घर बढ़वाए ऐसा कोशिश करूँ उन्होंने जेड़ा कुछ थी सकता ही मेहनत कर दी है। एक आबाद करना इंदे च नमाजा पढ़ना ये साडा काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदके अपने घर कुत्ता क्या मतशाद आबाद फरमा। रब्बे करीम फरमाए इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। फरमाए रब्बे करीम दे घर ओ तामीर करे ने जेड़े अल्लाह ते भी ते यौम आखरत ते भी ईमान रखे ने। रब्बे करीम फरमाए इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मसाजिद मस्जिद दी जमा है। फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मस्जिदा ओ शख्स तामीर करे ने मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर जेड़ा अल्लाह ते भी ईमान रखें दे ते यौम आखरत ते भी ईमान रखें दे व अकाम सलाता व आत जका ओ नमाज कायम करें दे अगर रब ने ढेर दिती है तो जकात भी अदा करें दे। अगू देखो रब्बे करीम फरमाए फरमाए वलम यख्शा इल्लल्लाह ए शख्स है जेड़ा रब कने डरदे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदियां विचू ई शख्स को कि जेड़ा रब्बे करीम दे घरा को बड़े दे तामीर करे दे उन्हें को आबाद करे दे फरमाए वलम यख्शा इल्लल्लाह ए रब ने खुद मोर ला छोड़िए ए मैं रब कने डरदे इंदे दिल च मैं छोटी जी कोई ओदा नहीं। अंदाजा करो आका करीम अली सलातु वसलाम फरमाए आका करीम अली सलातु वसलाम फरमाने के अकलमंद ते जीरक ओ शख्स है जेड़ा रब्बे करीम दा खौफ दिल च रखे दे। आका करीम फरमाए ओ शख्स चालाक है जीरक है अकलमंद है जेड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा खौफ अपने दिल च रखे दे। ते रब्बे करीम ने तो गारंटी दी है फरमाए ओ लोग जेड़े रब्बे करीम दे घर तामीर करे ने उन्हें को आबाद करे ने तो उन्होंने वास्ते मेरी गारंटी है वलम यख्शा इल्लल्लाह इो लोग ही रब का खौफ रखे ने दिल में फासा उलाइका यकूनु मिनल मुतदीन। फरमाए अन करीब इो लोग हैं जिन्हें को रब्बे करीम हिदायत अता फरमा दी से यानी हिदायत की भी गारंटी अता की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो रब्बे करीम अपने महबूब अली सलातु वस्सलाम दे सदके सबू अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर बनावण ते उन्हें को तामीर करण की तौफीक अता फरमावे। ते खुसूसी तौर पर दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन
भाई शरीफ साहब और कुसिया ते कामिल आज लाता फरमावे अपने शिफा दे खजानिया विचू अपने बाने को शिफाए कुली नसीब फरमावे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब अली सलातु व सलाम दे सदके हुजूर आका करीम अली सलातु व सलाम दी ई दुखियारी उम्मत जितने भी बीमार हैं सारिया को शिफा अता फरमावे। अजीजा ने मोहतरम मेरा मौजू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन असा सारिया को इलम की दौलत अता फरमावे। रब्बे करीम ने साढ़े जिम्मा क्या लाते साढ़े जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट कुरान व हदीस समझण लाते या जेड़े कुरान व हदीस के माहिर उन्होंने मसाइल पूछण दा साढ़े सारी जिम्मेदारी लाती है नहीं रब्बे करीम फरमाए फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून जेड़ी शायद पत्ता कहनी तो वल उलमा कने पूछो। अच्छा भाई आयत तैयबा सुनो हां भाई आयत तैयबा उए ई मज़मून दी आयत पिछू भी ठीक है ना सही नहीं गलो ए आयत तैयबा तो सुने दा पिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाए कुल ए महबूब मुकर्रमीन को दसाओ हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून क्या वो लोग जेरे जान दे ते ओ लोग जेरे नी जान दे बराबर है क्या ओ लोग जेरे जान दे ते ओ लोग जेरे नी जान दे ए दुहाई गिरो बराबर है नहीं ए दुहाई गिरो बराबर कहनी हां रब्बे करीम ने ए अजमत निशान बयान यनफिरू काफा फरमाए मोमिना वास्ते ए तो मुमकिन नहीं कि वो सारे के सारे उठी थे इल्म हासिल करने वास्ते टोर पोवे जड़े दुनिया का निजाम है सिस्टम है हाँ अभी अभी तो दुनिया का निजाम चलावड़े और सारे तो आलम बन नहीं सकते तवज्जो करें फरमाए वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफा मोमिना वास्ते ए तो मुमकिन कह नहीं कि वो सारे के सारे उठी तो टोर पोवे फलौला जफर मिन कुल्ली फिरकत मिनहु ताइफतुन फरमाए हाँ ये मुमकिन है कि हर कौम दे विचू एक गिरो निकले लिया तफक्कहु फिद्दीन जेड़ा दीन तफक्को हासिल करे जेड़ा दीन सीखे जेड़ा दीन सीखे तवज्जो करे हां ये कहनी कि अपने तौर पे असा उ समझण की कोशिश करू फरमाया ना ना लिया तफक्कहु फिद्दीन वली युनजरू कौमहुम इजा रजऊ इलैहिम और जेड़े वेले सिख ते अपने लोगों की तरफ अपनी कौम की तरफ वापस आवे तो हुण इन्हां को अपने रब का डर सुनावे लअल्लहुम यरजिऊन ताकि ये नेक अमाल करे ताकि ये बल अपने रब की तरफ लौट आवे अपने रब के अहकामात मन्ने तेरे ताए हासिल किया कह रही हां अल्लाह ताला ने बोलण दा मलका दे दिते बोलण दी ओ जांच आ गई कोई ढंग आ गए ते जनाब अली इन्हें अपने तौर पे जीवे तेल चाहे कुरान ही बयान कीती है हदीस ही बयान कीती है हां इन्हें कोई आगे पूछा नहीं बेटा के आया मैं कुरान दा हदीस दा दीन दा सही माना मफूम बयान तेरा पिया नहीं नहीं बल्कि सब मदीन अला अलीहि व सहाबी व बारिक व सल्लम या अल्लाह या रहमान रहीम या गफूर रहीम ऐ मालिक मौला सदा नमाज जुमा पढ़ना अपनी बहादुर कबूल फरमा नमाज पंजगाना बा जमात दा करण दी तौफीक दे तिलावत कुरान दा जज्बा ते शौक नसीब फरमा सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा सारे बीमारों को शिफा दे मौला खुसूस में खुसूस तेरे घर को तामीर करने वाले भाई मोहम्मद शरीफ साहब और साहब को सेहत कामिल आज अता फरमा या अल्लाह अपने खजाने विचो उना को शिफा मा अता फरमा अपने महबूब अली सलातो व सलाम के सदके उना को सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमा हुजूर अली सलातो व सलाम दी सारी उम्मत दी खैर फरमा सारे सारे बीमारा को शिफा दे सारे परेशान हालन या परेशानियां तकलीफा दूर फरमा मौला सारे बेरोजगार को बेहतरीन रिस्क दे सारे सेहत मंदा को अपनी इबादत दी तौफीक दे सारे वतन अजीज पाकिस्तान दी खैर फरमा हमारी पूरा ही मजदूरी बेरुनी सलाम अशात महफूज फरमा आका दी सारी उम्मत दी खैर फरमा कौम मुस्लिम को हर इंसान
इज्जत अजमत इज्जत निशान अता फरमा दो कोबे मुस्लिम के इत्तेहाद ते यकजहती नसीब फरमा अपने बाबू बड़ी सरत व सलाम के सब के अपने घर को ता कयामत शाद आबाद खुदा अपने घर ते आबाद कर और आबाद फरमा इनके रोड का दोबारा फरमा ऐ मालिक मौला अपने हबीब अली सरत व सलाम के सब के सभी दुआ कबूल फरमा खुदा सभी दुआ कबूल फरमा करीम रब सारी दुआ कबूल फरमा अल्लाह तआला अल्लाह को संगत मुराद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मस्जिद में मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में आज पहला जो जुमातुल मुबारक है वो अदा हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 100 के करीब घर इसके नज़दीक मौजूद हैं, जबकि अगर वक्फे से करें हम बात तो फिर तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 250 के करीब 200 से 250 के करीब घर होंगे जो कि दूसरी सिमत में वाक़ हैं। इस तरफ तो बिल्कुल ही रेत है जबकि दूसरी तरफ भी रेत है इस रोड के दूसरी जानब, लेकिन उस जानब घरों की तादाद ज़्यादा है और ये रोड के करीब इसलिए भी बनाई गई है कि ताकि जो यहाँ से मकामी आबादियाँ जो यहाँ नज़दीक पड़ती हैं उनके लिए भी ये आते जाते मुसाफरों के लिए सहूलत हो इस मस्जिद में नमाज अदा करने की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने जो ये नेक अमल किया है अपने रब की रज़ा के लिए आज अपने रिज़्क़े हलाल में से ये मस्जिद अल्लाह का घर तामीर किया है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी भी अता फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद की तामीर के हवाले से यूँ तो बहुत बेशुमार अहादीस मुबारक हैं, उनमें से कुछ मैं आपसे बयान करता चलूँ कि हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए चाहे छोटी हो या बड़ी मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और इसके साथ साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी बयान है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महलों में मस्जिदें बनाने और उन्हें साफ़ सुथरा और खुशबूदार रखने का हुक्म दिया है। और इस तरह बहुत सारी अहादीस हैं कि जिस तरह हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अजर सवाब मेरे सामने लाए गए, हत्ता कि उस तिनके का सवाब भी लाया गया जिसे आदमी मस्जिद से उठाकर बाहर फेंकता है। मस्जिद के हवाले से एक और हदीस शरीफ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कुआं खुदवाए तो उसमें से पीने वाले प्यासे
जिन्नों इंसानों और परिंदों में से हर एक का सवाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे इनायत फरमाएंगे। और अगर कोई मस्जिद बनाए अगरचे चील के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो या उससे भी छोटी ही क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएगा। खसूस बिल खसूस मोहम्मद शरीफ साहब को सेहत दे मेरा अल्लाह, अल्लाह को शफा दे मेरा मालिका, आमीन अल्लाह आमीन सारे आमीन करे सो, जितने लोग आमीन करे सो अल्लाह को सुख दे सी, अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन। हाजरीन जमात की खैर फरमा, फल करीम गायबीन की खैर फरमा, मौला नबी अली सलात व सलाम की खैर तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम जो बीमारियां दूर फरमा, तमाम जो परेशानियां मुसीबत कम दस्तियां दूर फरमा, रिज़्क़ का को रिज़्क़ हलाल वसी अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे आका करीम अली सलात व सलाम के सदके असा सारे को मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुरूद सदके बिल खुसूस भाई मोहम्मद शरीफ साहब को शिफा अता फरमा, आमीन सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, आमीन सेहत वाली सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, आमीन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, आमीन अग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहु तआला लहबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमईन, आमीन आमीन हक ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दोस्तों को जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे चैनल की तरफ से 11वीं मस्जिद थी उसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 11वीं मस्जिद थी उसमें आज पहला जो जुमा है वो भी अदा हो चुका है। और यहाँ पे मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँगा कि इस मस्जिद के लिए हमारे साथ हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने तावन किया था, और गुज़िश्ता वो एक डेढ़ हफ्ते से इस वक्त शदीद बीमार हैं, गुर्दों का तो उनको पहले ही प्रॉब्लम था, लेकिन वो वाशरूम में गिरे हैं जिसकी वजह से बहुत सारा उनका जो मसला है वो ख़राब हो चुका है। डेढ़ हफ्ते से तकरीबन वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ पे हमारे इन तमाम भाइयों ने आज मस्जिद में इज्तमाई दौर पे हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब के लिए दुआ की है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए ताकि वो मज़ीद फिर इसी तरह मखलूक खुदा के काम आ सकें। उन्होंने ही इस चैनल की बुनियाद रखी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्हीं की इस बाबरकत काम की वजह से चोलिस्तान में तकरीबन 330 लोगों के घरों में हैंडपम्प लग चुके हैं, 11 मसाजिद तामीर हो चुकी हैं, और सैकड़ों ही ऐसे घर हैं जो यतीम और बेवा जहां पे रहती हैं, जिनको हज़ारों नहीं लाखों रुपए की तादाद में ज़कात जो है इस चैनल के तवस्सुत से तकसीम हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम का अजर भी हमारे भाई शरीफ को अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने इस नेक काम की बुनियाद की रखी थी और शुरुआत रखी थी। बाकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई ही इस
इलाके में मस्जिद की ज़रूरत थी और इन लोगों के लिए मस्जिद की मुश्किल थी इस इलाके में, वो भी गुफ्तगू करेंगे और क्या इस वक्त वो हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब के इस नेक अमल से राज़ी हैं। तो सबसे पहले हम बुज़ुर्गों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, आप बताएंगे थोड़ा सा हमें कि अभी मस्जिद की कितनी ज़रूरत थी इस इलाके में? बहुत ज़रूरत थी। अच्छा, करीब यहाँ मस्जिद नहीं थी? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं आप यहाँ पर मस्जिद की तामीर जुमा पढ़ के? चले जी माशाल्लाह। तो आप बुज़ुर्गों बताएँ हमें जी कोई। जी जनाब, इतने बहुत जरूरत थी मस्जिद। अच्छा, जरूर थी यहाँ पे? हाँ जी। चलो माशाल्लाह, छोटे बच्चे जड़े उन वास्ते भी मसला है, वो दूर हो सकते कुरान पाक पढ़ेंगे यहाँ इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह जी। और आप और भाई मोहम्मद शरीफ साहब के नेक अमल से अल्लाह ताला सिया देवे, आमीन। उसने साडा ये मसला हल कर दे, आमीन। तो अल्लाह ताला से दुआ भी उससे राजी हो जाए, हम भी उससे राजी हैं माशाल्लाह जी। मखलूक के खुदा जी राजी है जी। और बुजुर्गों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तो कुशियत ए हुए शरीफ साहब जी। शरीफ साहब और तो अच्छा अच्छा शरीफ साहब, अल्लाह तो को खैर करे, अल्लाह दी रहमत नाल असम नमाज नमाज नाल दुआ मांगदे हैं। अल्लाह हमें अल्लाह तो को सेहत देवे, आमीन। अल्लाह सने तो को सेहत दी बात छई देवे, अल्लाह ताला मदद नेक अमल कबूल करे। मैं बुढ़े बुढ़े बंदे तुम्हारे वास्ते अल्लाह तो को सेहत दी बात छई देवे, आमीन। ये तुसा अल्लाह का घर बनवाया, तुम्हारा घर अल्लाह हमें जन्नत में पड़ गया, आमीन से आमीन, आमीन से आमीन जी। बाबा जी आप तो अल्लाह से इंशाल्लाह बड़ी खुशी थी मस्जिद भी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, दुआ करने अल्लाह से भी राजी थी वजह, आमीन इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी भाई शरीफ साहब से ज़रूर राज़ी होंगे। तमाम बुज़ुर्ग हैं और अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो तो अल्लाह ताला भी उसको उसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाएगा जी। बाबा जी अल्लाह शफा दे, आमीन। बाकी खुश है वे मस्जिद में इतना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी खुश रखे जी। बाकी हमारे उलमा इकराम भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं जी। और आप बताएं सर जी, कैसे ज़रूर थी इधर मस्जिद की? बहुत ज़रूरत थी। मैं मेरा घर गरीब है जी जी, यहाँ तकरीबन 300 के करीब करीब घर बने हुए हैं। अच्छा, ये 300 घर हैं? हाँ, ये सारे? हाँ, अच्छा, कुछ लोग हैं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, इनके इतने कम से कम 100 घर तो हैं ना? हाँ, 100 घर तो पक्के हैं ना। तो इनमें गैर मुस्लिम भी हैं करीब। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा माशाल्लाह, ये उनकी कावेश अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको मजीद सेहत और तंदुरुस्ती, यानी हम ये एक अल्लाह को गवाह बना लें कि हमारी अल्लाह ताला जो मखलूक है हमारे भाई शरीफ साहब से राजी है। और इंशाल्लाह रोज़े क़यामत हम इस चीज़ पे गवाह हैं कि हमारा जो मखलूक है वो अल्लाह ताला की जो शरीफ भाई से राजी है और अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह राजी होंगे जी। आप जी सर जी कोई पैगाम देना चाहिए, भाई शरीफ साहब आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीफ भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल आज अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने लिए जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना है, घर बनवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी फजीलत है हुज़ूर, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। इंशाल्लाह ये आबाद रहेगी, ऐसा नहीं है कि बस अब बन गया एक जुमा हुआ और ख़त्म, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द काफ़ी आबादी है, बिल्कुल। यहाँ डेली रोज़ाना कुरान मजीद भी पढ़ने आएंगे बच्चे, जो यहाँ से कुरान मजीद पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह का क़यामत आपको वो अजर व सवाब होता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन जी। अल्लाह ताला उनकी नस्ल में बरकत अता फरमाए जी, आमीन 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 जी। फर्दन फर्दन अगर हम पैगाम लें तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे और वीडियो तवील हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर हम इतना कहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब के इस नेक अमल पे राजी हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भी उनको जजाय खैर अता फरमाए। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही फलाही काम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।